दोस्तों, अगर आप लोग का अकाउंट लॉक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड। और गाइज, ये प्रॉब्लम काफ़ी लोग का है और यहाँ पे मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि ये लॉक प्रॉब्लम तो वीडियो में बना दिया हूँ, बट यहाँ पे अगर आप आईडी ओपन करना चाहते हैं, जैसे आप गेट एचआर पर ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपका कंफर्म आइडेंटिफाई या फिर ईमेल डालने का ऑप्शन आता है। वहाँ पे आपका गेट कोड बाय ईमेल या फिर आस्क टू फ्रेंड या फिर आपका जो भी है फ़ोन नंबर पर कोड जाके ओपन होता है, वो प्रॉब्लम आने के, वो जो ऑप्शन मिलती है आप लोग को ओपन करने का ऑप्शन आपको शो नहीं करे। जैसे यहाँ पे देखिए गेट कोड बाय ईमेल, अभी मैं गेट कोड बाय ईमेल पर क्लिक करूँगा तो मेरा जो भी जीमेल है उसमें कोड जाएगा और यहाँ से मैं अनलॉक कर लूँगा आसानी से। तो आपके पास ये शो नहीं कर रही है तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख के जाओ, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दो तीन मेथड जिसके थ्रू से आप आईडी को ओपन कर सकते हो। जैसे कि यहां पे गेट कोड बाय ईमेल में क्लिक करूंगा तो यहां पे देखिए ईमेल का कोड यहां पे डालूंगा तो आईडी इजी से अनलॉक कर सकता हूं। तो इस वीडियो में आप लोगों को अनलॉक करके भी दिखाएं और फुल प्रोसेस करके दिखाएं, यानी कि आईडी अनलॉक पे फुल डेडिकेटेड वीडियो है, तो आप प्लीज लास्ट तक देख के जाना, काफी चीज सीखने को मिलेगा। तो यहां पे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कोडिंग वगैरह है, यानी कि आपका जीमेल में कोड जाएगा, इस कोड को यहाँ पे आप फिल करोगे तो आईडी अनलॉक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को ये फर्स्ट ऑप्शन बताया एंड सेकंड ऑप्शन में लेकर जाता हूँ जो कि आप लोग को मिलती है। जैसे कि आप आईडी अनलॉक करोगे तो वहाँ पे आपको आस्क टू फ्रेंड या फिर गेट कोड बाय ईमेल या फिर गेट कोड बाय फोन, यानी कि फोन बाय कोड, यानी कि आपको फ़ोन में कोड जाएगा। तो गाइस, मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वीडियो पर लास्ट तक देख के जाओ, 100% सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को गेट कोड बाय ईमेल या फिर फोन में कोड जाएगा वो ऑप्शन शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हो, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए आक्स योर फ्रेंड फॉर हेल्प, यानी कि अपना फ्रेंड को आक्स करके आप वहाँ से हेल्प, यानी कि उसमें कुछ लिंक वगैरह जाएगा उसके थ्रू से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये था सेकंड ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन में शो कर सकते हो जिसके थ्रू से आईडी अनलॉक कर सकते हो। तो आपको मैं थर्ड ऑप्शन लेके जाता हूँ, इससे आप ऑप्शन कैसे शो करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सब ऑप्शन शो करेगा तो आखिर कैसे शो करेगा, उसके लिए गाइस यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउज़र पे आना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है माई फेसबुक अकाउंट वॉज लॉक, ठीक है। एंड सब सिंपली आपको सर्च करना है, जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे गाइस, और जैसे सर्च करोगे आपको सेकंड या थर्ड नंबर पे आपको एलिजिबल यानी लॉक्ड एलिजिबल का ऑप्शन मिलेगा जिस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ पे आप क्लिक करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करना, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता जिसके थ्रू से वो ऑप्शन शो करवा सकते हो, तो आपको लास्ट ऑप्शन यही यूज़ करना है। यहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा जिस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। फर्स्ट नेम पे आपको डालना है, सेकंड नेम में ईमेल डालना है और थर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आधार कार्ड से उसे मैच करके डालना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह में डाल दीजिएगा। ये सब ट्रिक कम यूट्यूबर बताता है, बहुत कम बताता है, यूट्यूब पर काफ़ी कम ही बताया है सब ट्रिक, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि आईडी जो भी यूट्यूबर ओपन करते हैं इसी तरह से ओपन करते हैं, सीक्रेट ट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ये सब फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ पे सिंपली से ये सब डालने के बाद गैस यहाँ पे आपको सिंपली से डेट ऑफ बर्थ वगैरह चीज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल में क्लिक करके अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट, नेशनल आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपको है वह यहाँ पर आप सबमिट कर दोगे। उसके बाद गैस यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिखना है, डियर फेसबुक टीम, माई अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड, सो एज सुन एज पॉसिबल माई अकाउंट अनलॉक, सो यू कैन प्रोवाइड माई गेट कोड बाय ईमेल ऑप्शन शो, और यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह डाल दीजिएगा, ठीक है। तो गैस यहाँ पे सिंपली से ईमेल एड्रेस जैसे ही आप डाल दोगे तो गैस यहाँ पे आप जैसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे सेंड का ऑप्शन मिलेगा, जिसको आप सेंड करोगे तो 12 से 24 घंटा के अंदर वहाँ पे गेट कोड बाय ईमेल या फिर आपको फोन में कोड जाएगा जिससे वेरीफाई करके आईडी अनलॉक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मेरे को गेट कोड बाय ईमेल का ऑप्शन आ गया या फिर कोई भी ऑप्शन आ गया। जैसे मैं नेक्स्ट करता हूँ यहाँ पे तो आईडी ओपन कर लेता हूँ, 12 घंटे बाद में ओपन कर रहा हूँ आईडी को। उसके बाद गैस यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पे ओपन करोगे, यहाँ पे गेट आ कोड ऑन योर फोन, यानी कि ये ऑप्शन मेरे को प्रोवाइड कर दिया गया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे अब मेरा कोड आएगा, उस कोड को यहाँ पे फिलअप करूँगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं कोड को फिलअप कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इस फोन में इस नंबर पे कोड जाएगा। तो ये गए जो ऑप्शन आप लोगों को भी शो हो जाएगा जैसे मैंने ट्रिक बताया, फर्स्ट में वो ट्रिक आपको यूज करना है, 100% शो करेगा, जैसे मेरे यहाँ पे शो हो चुका है। जैसे मैं गेट कोड बाय ईमेल पे क्लिक करूँगा, फोन में कोड आएगा, उस फोन में कोड यहाँ पे मैं सिंपली से कोड डाल देता हूँ, डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो उसके बाद गए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिख रहा है नेक्स्ट स्टेप यू कैन अनलॉक योर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद सिक्योर अकाउंट डिटेल, यानी कि सिक्योर करने बोलते हैं, फिर से आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे देखिए अकाउंट, यानी कि आपका 80% अकाउंट अनलॉक हो चुका है। यहाँ पे फिक्स नाउ पे क्लिक करोगे आपका अकाउंट फिक्स हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे फिक्स नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे फिक्स नाउ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे सिक्योरिटी करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे करोगे तो आपका अकाउंट 100% यहाँ पे देख सकते हो ओपन हो गई है। तो इस तरह से अपना फेसबुक अकाउंट को 100% अनलॉक कर सकते हो, काफ़ी ईजी ट्रिक है। आशा करता हूँ वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग नॉलेजबल, लाइक करना, इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया फॉलो कर सकते हो टेक ग्रो डाउल टू इंस्टाग्राम आईडी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेटवर्क, तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो, अपना बहुत ख्याल रखो।